साहिल पे बैठा मैं ये सोचता हूँ कि कौन ज्यादा मजबूर है, ये किनारा जो चल नहीं सकता या ये लहर जो कभी ठहर नहीं सकती। जी हाँ, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जी एक ऐसी ही शख्सियत है जो कभी ठहर नहीं सकते। आज देश नहीं बल्कि विदेश में भी उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। फैंस उनके घर के बाहर भीड़ लगाकर बैठे हुए हैं उन्हें सिर्फ एक नजर देखने के लिए। बॉलीवुड के महानायक का बर्थडे तो आज मनाया जा रहा है, लेकिन उनके साथी जिनके साथ उन्होंने काम किया है, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं उनके बर्थडे के मौके पर, उनसे एक बार आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता मुकेश ऋषि जी जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। और हमारे साथ बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता यशपाल शर्मा जी जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बिग बी का सर आज जन्मदिन है, देश नहीं बल्कि विदेश में भी उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये वो लहर है जो कभी ठहर नहीं सकती। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे मुकेश जी आप अमिताभ जी के जन्मदिन पर, क्योंकि आपने उनके साथ काम किया है। सर, सूर्यवंशम फिल्म में हमने उनके साथ देखा है आपको। जी, सबसे पहले तो मैं उनसे बिग बी, जो सब लोग उन्हें प्यार से बिग बी कहते हैं, उन्हें जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं दूंगा। और उसके ऊपर ऐड करूंगा, मेरी तरफ से उनको गिफ्ट यही हुआ कि उनकी सेहत हमेशा हमेशा तंदुरुस्त रहे और बनी रहे। यशपाल जी, आपकी ओर रुख करना चाहूंगी, आज बिग बी का जन्मदिन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उनके लिए? मैं भी सबसे पहले उनको जन्मदिन की बधाई देना चाहूंगा। और जो सबसे बड़ा गिफ्ट है जो मुकेश जी ने भी दिया, वो मेरी तरफ से भी है, क्योंकि यह कोरोना के बाद हम ये बात समझ चुके हैं कि स्वस्थ स्वस्थ रहना ही सबसे बड़ा गिफ्ट है और इनाम है और एक आशीर्वाद है परमात्मा का। बिल्कुल है मुकेश जी, जैसा कि आपने कहा कि आपने उनकी स्वास्थ्य की कामना की है। और हमने अक्सर ये देखा है, बिग बी को हम जब से देख रहे हैं, जब से वो फिल्मों में आया है तब से अभी तक देख रहे हैं, उनकी फिटनेस वही की वही बरकरार है। ये उनका डिसिप्लिन है जो हम लोगों ने काम करते समय उनके काम में देखा है। वो इतने डिसिप्लिन आदमी है कि मैंने उनसे बहुत बहुत कुछ सीखा है डिसिप्लिन के बारे में। ये उसी का नतीजा है। उनके अंदर कोई शरीर में कभी सुनते रहे कि उनको कुछ प्रॉब्लम भी आई थी, लेकिन उस उन प्रॉब्लम्स को भी उन्होंने उस डिसिप्लिन में ढाल दिया कि मुझे इनके लिए ये फ्लाइंग एक्सरसाइज करनी है, इस तरह मुझे रहना है, मेरा खाना पीना इस तरह होगा। वो सब कुछ उन्होंने एक ऐसे डिसिप्लिन में ले लिया और जिसे वही डिसिप्लिन देखिए आज तक उनको हम जब देखते हैं तो उनको बहुत खुशी होती है देख के। तो मुझे लगता है ये उनका जो डिसिप्लिन रहा जिंदगी में, ये उनकी सबसे बड़ी क्या बोलते हैं मेडिसिन बन गई है और हम सब के लिए ये बहुत सीखने सीखने वाली बात है। यशपाल जी, अमिताभ जी में हम एक बात देखते हैं, वो एक अच्छे अभिनेता तो है ही, लेकिन अमिताभ जी लिखते बहुत अच्छा है। यशपाल जी, आज भी उन्होंने अपने बर्थडे पर काफी अच्छा लिखा जो ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रहा है। जी, मैंने तो पढ़ा नहीं ट्विटर पर, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि वो बहुत अच्छा लिखते हैं और गाते बहुत अच्छा हैं, खासकर अपने पिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी की जो कविताएं हैं या जो उनका खासकर मधुशाला है, मैंने वो सुना है उनके मुंह से। और मैंने एक बड़ी कोइंसिडेंस मेरे साथ ऐसा रहा कि जो मेरी पहली फिल्म थी 1084 की माँ गोविंद निहलानी के साथ, जहाँ जया बच्चन जी का कम बैक था बाद में काफी सालों के गैप के बाद, तो मैं ये उनका मुहूर्त जो है अमिताभ बच्चन जी ने किया था उसका फिल्म का, और मैंने पहली बार लाइव उनको वहीं देखा था। और सच बता रहा हूँ, बहुत सारे दोस्त थे, सब लोग फोटो खिंचवा रहे थे उनके साथ, और पता नहीं मैं क्यों नहीं गया फोटो खिंचवाने। मैंने कहा नहीं, सर के साथ काम करना है और काम करना है और मतलब भगवान की दया से वो सत्य भी साबित हुआ बाद में, और मैंने काम किया भी उनके साथ। और बकायदा जब उनके बेटे के साथ अभिषेक के साथ मैं एक महीना जैसलमेर में शूट करता था, तो वहाँ जन्मदिन पर भी वो आए थे और वहीं जैसलमेर में ही मनाया था, और 4 दिन हमारे साथ रहे थे जया बच्चन जी और अमिताभ बच्चन जी। तो बड़ा बड़ा ही कमाल का टाइम बीता था वो भी, जब हमने उनके साथ बड़े अच्छे अच्छा समय बिताया था, खाना पीना पार्टियां और उठना बैठना बातचीत और शूटिंग देखना सब कुछ शेयर किया था हम लोगों ने। और फिर उसके बाद कोई बंटी और बबली मैं नहीं कर पाया उनके साथ। फोटो खिंचवाई थी, काम तो किया था लेकिन फोटो खिंचवाई थी नहीं, फिर मैंने जैसलमेर में खिंचवाई थी फोटो।
जो आज आज मैंने एफबी पर शेयर भी क्या किया बात है। अच्छा तो सर मैं बता जैसलमेर देती हूँ उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि जब जी 60 पे पाठ और अब 80 पे लस्सी, क्या अरे वाह हुआ है उससे भी हम समझ सकते हैं कि बिग बी क्या लिख रहे हैं। सर आपने जैसा कि कहा कि फोटो मैंने नहीं क्लिक करवाया लेकिन काम करने का मौका मिला। सर फिल्मों में आने से पहले कभी ये सोचा था कि बिग बी के साथ काम करने का मौका मिलेगा, वो भी पहले ही बार जब आप गए तब? नहीं देखिए, मैं उससे पहले बहुत ही एक ट्रेनिंग ले चुका था एक्टिंग की, चंडीगढ़ इंडियन थिएटर से भी और एनएसडी से भी, और बहुत सारा थिएटर कर चुका था। तो मुझे ये तो था कि मैं किसी के भी साथ काम करूंगा, मतलब कर सकता हूँ। मैं कुछ ऐसा नहीं था कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि थोड़ा एक कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था लेकिन कॉन्फिडेंस जरूर था। लेकिन अमिताभ बच्चन एक ऐसे एक्टर में से हैं, आमिर खान और अमिताभ बच्चन, जिनके साथ मेरा सपना था काम करने का, और वो सपना मेरा पूरा हुआ। क्या बात है। मुकेश जी की ओर रुक करना चाहूंगी। सर आपको तो हमने कई फिल्मों में देखा है बिग बी के साथ में, लेकिन एक फिल्म जो हम लोगों को काफी पसंद है वो सूर्यवंशम। हम लोग कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि मुकेश जी जुड़ने वाले हैं, तब सब लोग कहते अच्छा ये वही मुकेश जी है जिन्होंने वो खीर में जहर मिलाया था। मैंने कहा आप बिल्कुल ठीक पहचाना। तो सर मैं जानना चाहूंगी उस मूवी के बारे में थोड़ा सा आपसे, कि वो मूवी में आपकी और अमिताभ जी की जोड़ी कैसी रही? पहले तो मैं बात करना चाहूंगा, जैसे यश जी ने कहा कि आपने पूछा तस्वीर क्यों नहीं लिया उस वक्त। उस वक्त ये सेल्फी नहीं हुआ करती थी, ना ही हमारे पास ये फोन था। उस स्पेशल तस्वीर लेने के लिए सबसे पहले आपको फोटोग्राफ को ढूंढना पड़ेगा, फिर वो ले पाता। लेकिन मैंने भी कभी इस तरह की बात नहीं की, वहां ख्याल भी नहीं आया, और शायद थोड़ा उस वक्त इतना इजी नहीं था कि आप जाएं और कहें एक फोटो, फिर फोटोग्राफर को नहीं, एक प्रोडक्शन प्रोडक्शन का फोटोग्राफर होता है स्पेशल। नहीं आई नो, लेकिन वो ध्यान में नहीं आता था उस वक्त कि उसको बुलाया जाए और फिर एक फोटो लिया जाए। यही याद सर वो होता है ना कि हमें कोई कोई दिख रहा है सेलिब्रिटी तो हम हमारा फोन लेते हैं और जल्दी से सेल्फी लेते हैं, इतना कौन इंतजार करता है, वो बात है। वो उतना इजी नहीं रहा। बहरहाल ये जो आप सूर्यवंशम की बात कर रहे हैं, ये सब उसमें अच्छी यादें रही मेरी, क्योंकि मैं और अमित जी एक ही होटल में ठहरे थे और कई बार हम दोनों ने जिम में एक्सरसाइज साथ में किया, और बहुत ही डिसिप्लिन से वो लोग एक्सरसाइज करते थे। वहीं से मुझे पता चला, और आज तक जो हमें पता है इस बात का कि वो सुबह उठ के सबसे पहले एक्सरसाइज के लिए किसी हेल्थ क्लब में जाते हैं, तो वो डिसिप्लिन आज भी उनका बरकरार है। यस, उनका डबल रोल था उस फिल्म में। ज्यादा पर्सनली बातें करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उनका डबल रोल की वजह से वो एक से निकलते थे, दूसरे में उनको दाढ़ी लगानी पड़ती थी, वो सब बातें रही। लेकिन कई फिल्में करने के बाद भी हमेशा उनके साथ एक खास फीलिंग रही, जो हमेशा यही बताती रही, जताती रही कि ये कितने बड़े एक्टर हैं और कितने डिसिप्लिन्ड एक्टर हैं। और वो उसने कभी ज्यादा नजदीक जाने नहीं दिया मेरे को भी। हाँ कभी कभार जरूर बातें हुई उनके साथ में, लेकिन कमाल के इंसान हैं, कमाल के एक्टर हैं, और कमाल की उनकी चीजें हैं। जो हमारा जो यंगर लॉर्ड था उसने बहुत कुछ सीखा उनके काम से। उनकी कई फिल्में की हुई जिसमें उन्होंने अफगानी टच दिया था अपनी अपनी जबान में, वो कई बार मैंने भी उसे वहां से पिक करके कई फिल्मों में किया है। तो बहुत कुछ ऐसे इतने बड़े कुछ ना कुछ कहते हो जी। सर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है मुकेश जी? शायद मुकेश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। यशपाल जी की ओर रुख करना चाहूंगी। सर हम इस तरह से बात कर रहे हैं बिग बी की, और सर ने कहा सूर्यवंशम में उनके साथ उन्होंने काम किया है, बड़ी बारीकियों से उन्होंने समझा है। सर आपसे जानना चाहूंगी अमिताभ जी के बारे में थोड़ी सी वो बातें कि किस तरह से वो जब शूट पे आते हैं उनका वो डायलॉग, उनकी एक्टिंग, आपने कितना करीब से देखा अमिताभ जी को? काफी करीब से, मतलब आरक्षण फिल्म में हम थे साथ में, तकरीबन आधी फिल्म में हम साथ में ही थे, और काफी सारे सीन थे हमारे साथ में, तो काफी समय बीता। उनके सेंस ऑफ ह्यूमर की दाद देनी पड़ेगी, बहुत अच्छा सेंस ऑफ, और टाइमिंग कमाल की है उनकी आम लाइफ में भी, मतलब फिल्मों में तो खैर इंशाल्लाह लाजवाब है ही, लेकिन आम लाइफ में भी उनकी जो टाइमिंग है जोक करने की, या एक एक पंच मारने की, या मतलब अपना ही मजाक उड़ाने की, कई बार जैसे प्रकाश झा उधर से दूर से शॉट ले रहे हैं जहां मनोज वाजपेयी का घर दिखाया था, तो इधर मैं और अमिताभ जी हैं और एक बिटिया है मेरी, तीन लोग हैं,
वहां कैमरा है, वहीं प्रकाश झा है, तो वो शॉट लेकर के और अपना कैमरा वैमरा शिफ्ट कर लिया और हम वेट कर रहे हैं कि हमें बताएं ओके है कि नहीं है कि क्या है। तो अमिताभ बच्चन जी को मैंने बोला कि सर आप वैनिटी में जाकर बैठ जाइए। अरे नहीं, पहले बता तो दे क्या हुआ है, म्यूचुअली अंडरस्टैंड कर लिए और अपने आगे बढ़ लिए, हमें कोई बताया नहीं भाई। तो कमाल कमाल का उनके बहुत सारी बातें हैं, धीरे धीरे शेयर करेंगे। मुकेश जी काफी देर से मुस्कुरा रहे हैं। सर मैं जानना चाहूंगी सूर्यवंशम की कुछ यादें, और वो यादें इसलिए चाहती हूँ क्योंकि वो खीर में जब जहर मिलाया था तब मुकेश जी को क्या याद आया था कि अब अमिताभ जी के साथ काम करने का तो मौका मिला लेकिन डालना भी है खीर में तो जहर। मुकेश जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी आओ खीर। सर ऐसा कोई वाक्या जो आप शेयर करना चाहते हैं? यही तो है। मुकेश जी की आवाज है। सर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी मैं लगा अब ऐसे बस शायद मुकेश जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार हम उन्हें फिर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तब तक यशपाल जी से जान लेते हैं। सर मैं जान आपने उनके साथ काम किया है अमिताभ जी के साथ, एक डायलॉग में उनके बर्थडे पर चाहूंगी या तो अमिताभ जी का हो या फिर यशपाल जी और अमिताभ जी का जो साथ में आपने फिल्में की है उसका हो। नहीं डायलॉग तो मुझे अभी याद नहीं है क्योंकि डायलॉग तो मैं अभी पहले अगर बता दिया होता तो मैं कुछ रिमाइंड कर लेता, लेकिन अभी मुझे एकदम से बनती है आज उनके जन्मदिन पर। नहीं 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 मैं डायलॉग कह बोलना और कहना तो मैं अपनी हिमाकत समझता हूँ कि उनके डायलॉग की कॉपी तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा जिंदगी में ना ही कभी। हाँ मेरे शब्द तो बहुत हैं, मतलब मैं अपनी तरफ से उनको उनके जन्मदिन पे मैं बस इतनी बातें शेयर कर सकता हूँ कि उन जैसा महान होना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और हमको लगता है कि सफलता देखो कितनी बढ़िया, कितना अच्छा काम ये वो, लेकिन उसके पीछे का जो दर्द है, उसके पीछे की जो तकलीफ है वो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। क्योंकि उन्होंने मुझे याद है कूली फिल्म में जब चोट लगी थी उनको तो कितना मतलब जीवन और मरण के बीच में वो लटक रहे थे, बहुत बुरी हालत में थे, कैसे उन्होंने वो पुनर्जन्म हुआ है। फिर प्रोफेशनल लाइफ में, कमर्शियल लाइफ में भी, उनकी जिंदगी में भी बहुत फाइनेंशियली बहुत ही बिल्कुल जीरो से भी नीचे आ गए थे, उधार पे आ गए थे, किस तरीके से उन्होंने अपने आप को उबारा है उस मुसीबत से और किस चीज से। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख है लोगों को, क्योंकि स्टार बनना इतनी बड़ी बात नहीं है मेरे ख्याल से, उसको मेंटेन रखना अभी तक बहुत कम लोगों के अंदर होता है। मेरे ख्याल से हमारे महानायक अमिताभ बच्चन के अकेले व्यक्ति ऐसे हैं जो इतने सालों तक बिना किसी उसके कंट्रोवर्सी के और बिना उसके बहुत ही अच्छे से जिंदगी को और कलाकार जिंदगी को और अपनी आम जिंदगी को, अपनी निजी जिंदगी को जी रहे हैं। जी ऐसे जाते जाते मैं चाहूंगी ऐसा कोई रोल जो आप बिग बी के साथ आगे निभाना चाहते हैं। नहीं मेरा वो शराबी फिल्म का इनका जो रोल है मैं उसका बहुत ही ज्यादा पागलों वाला फैन हूँ, तो बस वैसे रोल करना चाहता हूँ, दो बीघा जमीन बलराज साहनी वाली और शराबी फिल्म अमिताभ बच्चन वाली, ऐसे रोल मुझे जिंदगी में बहुत करने हैं। और खुदा की दया से, भगवान की दया से अभी अच्छे और नए रोल ऐसे मिल रहे हैं जो मेन रोल हैं और काफी मजा आ रहा है करने में। जी चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आज बिग बी के जन्मदिन पर न्यूज इंडिया से जुड़ने के लिए। मुकेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने बहुत सी बातें बताई। यशपाल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने न्यूज इंडिया पर बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन मनाया, उनकी कहानी उनके साथियों से हमने सुनी है किस तरह से वो सेट पर आते हैं, शूटिंग पर आते हैं। मुकेश ऋषि जो सूर्यवंशम फिल्म में उनके साथ नजर आए, और यशपाल शर्मा जी आज जो आरक्षण मूवी में अमिताभ बच्चन जी के साथ नजर आए। तो फिलहाल न्यूज इंडिया पर इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।